अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी आप लोग की दुआओं से ठीक हूँ। देखिए आज मैं काले चने बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में। आजकल घर में ही है सब लोग, लॉकडाउन की वजह से तो सब लोग घर में देर में ही उठते हैं, तो इसलिए हम लोग नाश्ता भी देर में ही करते हैं। तो नाश्ते में आज काले चने बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक कटोरी काले चने लिए हैं एंड टमाटर, ये दो मीडियम साइज़ टमाटर ले लीजिए जिसको मैंने ये अच्छी तरह से काटा है। ये हरा धनिया है और ये दो हरी मिर्च हैं। आप हरी मिर्च या मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से ले लीजिए और कम ज़्यादा जो भी खाते हैं वैसे लीजिए। एंड ये प्याज मैंने ली है और एक ये नींबू लिया है, ओके। एंड नमक, ये नमक लिया है, ये मैंने एक हाफ से ज़्यादा, आधे चम्मच से ज़्यादा टीस्पून मैंने नमक लिया है। अब देखिए ये काले चने जो हैं हम ये भिगो देते हैं। ये देखिए मैंने भिगो के कुकर में डाल दिए हैं। अब इसमें हम ये देखिए ये नमक डाल दिया है। अच्छा, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और ये एक कटोरी चने लिए हैं ये मैंने, तो दो कटोरी या तीन कटोरी आप पानी, दो ढाई कटोरी तीन कटोरी आप पानी डाल सकते हैं। बस पानी इतना लें कि थोड़ा सा ऊपर आए, ओके। बंद कर देते हैं। ये चने बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि मैंने सुबह में ये चने भिगो दिए थे 3 घंटे पहले, ठीक। आप 3 घंटे के बाद मैं ये बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं, जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मैंने कुकर में चने बनाने रख दिए हैं। 15 से 20 मिनट आप चने बना लीजिए, यानी कि 2-3 सीटी आपके आ जाएं तो गैस स्लो करके इसको पका लीजिए। ये देखिए गाइस, मैंने ये मेरे चने उबल चुके हैं, खून कर इसे देखते हैं। ये देखिए चने हमारे खूब अच्छी तरह से उबल गए हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए अच्छी तरह से हमारे चने उबल गए हैं। अभी मैंने 15 से 20 मिनट में इनको बॉइल किया है, ठीक है। अब हम इन चनों को इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए चने उबलकर रेडी हो गए हैं। अब हम ये देखिए मेरे चने उबलकर रेडी हो गए हैं। ये इस तरह से देखिए अच्छी तरह से गल गया है ये चना। ये देखिए खूब अच्छी तरह से। अब ये देखिए मैंने जो आपको रेसिपी दिखाई थी, इसमें अब मैं ऑयल डालूंगी एंड ज़ीरा, ऑयल एंड ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए छोंकने में मैं ये ज़ीरा डालती हूँ। अब आप देखिए, ये मैंने देखिए एक, ये देखिए 1.5 मैंने ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। इसमें मैं थोड़ा सा ये देखिए ज़ीरा डाल दिया है। ये हमारा ज़ीरा हो जाता है, देखिए ऑयल। अब इसमें हम, ये ज़ीरा मेरा हो रहा है, ये देखिए मैंने गैस स्लो कर दी है, गैस स्लो पर ये ज़ीरा हो गया है। अब हम ये ज़ीरा मेरा देखिए हो रहा है, इसमें अब मैं ये चने डाल दूँ, फ्राई कर देंगे चने को। नमक इसमें मैंने ऑयल नहीं डाल दिया था, इसलिए अब मैं नमक नहीं डालूँगी इसके अंदर। मैं ये अच्छे प्याज डालती हूँ, फिर ये मैंने ये देखिए टमाटर काटा कटा हुआ डाला है एंड हरी मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए हरी मिर्च मैं डाल दूँगी। गैस स्लो कर देते हैं ताकि हमारा ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च डालकर हम इस तरह से इसे चला रहे हैं ताकि हमारा चने अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये हरी मिर्च टमाटर वगैरह जो सब मैंने डाला है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। थोड़ी सी इसमें हम रेड चिली भी डाल देते हैं, ये देखिए रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर ये हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। देखिए इसको अच्छी तरह से हम भून रहे हैं। आप अपनी
हरी मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ डालिए, हल्का खाते हैं तो हल्का डालिए। इस तरह से हमारे देखेंगे चने फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप सुबह के नाश्ते में ये चने बना सकते हैं और खा सकते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए स्लो गैस पर आपको ये भूनना है, तेज़ गैस पर नहीं भूनना है चने को, क्योंकि तेज़ गैस पर आप भूनेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे। ये देखिए मेरे कहीं से नहीं जलना है क्योंकि मैं स्लो पर कर रही हूँ। और ये चम्मच को हमें इस तरह से चलाना है, इस तरह से नहीं चलाना है, इस तरह से हमें चम्मच को चलाना है। ये देखिए मेरे चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने जो इसमें हरा धनिया काटा था, हरा धनिया दिखाया था, इसको मैंने कट कर दिया है। और इसे हम इस तरह से डाल देते हैं चनों के ऊपर। ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है। फिर इसे हल्का सा हम चला देते हैं ताकि हमारे हरा धनिया जो है चनों में मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से चनों में मिक्स हो गया है। ये देखिए गाइस हमारे काले चने बनकर रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अब आप इसे खाइए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड कमेंट्स भी करिएगा, ठीक है। प्लीज़ ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप बहुत ज़्यादा आराम से इसको बना सकते हो। मतलब 3-4 घंटे पहले आप भिगो दीजिए और फिर बॉयल कर लीजिए थोड़ा पानी डालकर। इतने में ही अपनी रेसिपी तैयार कर लीजिए और फिर जल्दी से धोखा लगाकर बना दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट में छोले तैयार हो जाएंगे आपके, लेकिन भिगोना पहले से है।